हम आपको दुबई के बारे में रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। पूरे दुनिया का 24-25% क्रेन दुबई में है। विश्व का सबसे तेज लिफ्ट दुबई में है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में 22वां स्थान में दुबई आता है। दुबई में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। वहाँ पे इसीलिए लोग ज्यादातर लोग वहाँ पे जाके बिजनेस करते हैं क्योंकि वो टैक्स फ्री है। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि दुबई के लोग सबसे ज्यादा पैसा तेल बेच के कमाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में सबसे ज्यादा पैसा टूरिज्म और रियल एस्टेट से पैसा कमाया, 6% हिस्सा ही तेल बेच के वो कमाते हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार है। समझता है अगर तेल एक साथ मैं बेच लूंगा तो फिर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए दुबई के शेख तेल बेच के इस तरह दुबई को डेवलप किया कि टूरिज्म वहाँ पे ज्यादा बढ़ने लगा। दुबई को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे 0% क्राइम है। दुबई में 43% लोग भारत के हैं और जो दुबई के मूल निवासी हैं उनकी आबादी सिर्फ 15% है और बाकी सारे विदेशी हैं। दुबई का विकास 1960 के बाद हुआ। 1960 से पहले वहाँ पे कुछ नहीं था। जब तेल की खोज हुई तो फिर वहाँ का विकास होने लगा और 50 साल में दुबई पूरे दुनिया का सबसे विकसित शहर बन गया। दुबई में रोड पे सबसे ज्यादा कार ही दिखती है क्योंकि वहाँ के गरीब लोग बाइक यूज करते हैं। जैसे इंडिया में गरीब लोग साइकिल यूज करते हैं, इसी तरह दुबई में गरीब लोग बाइक इस्तेमाल करते हैं। बाइक वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो या तो डिलीवरी बॉय या पेपर बांटने वाले यूज करते हैं और बाकी सभी अपना कार यूज करते हैं। दुबई में सार्वजनिक प्यार नहीं होता है। इंडिया की तरह सार्वजनिक प्यार नहीं होता है। वहाँ पे कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको पानी खरीदना ही पड़ेगा और पानी का भी रेट एक जैसा नहीं है। पूरे दुबई में अलग अलग जगह पे है अलग अलग रेट है। दुबई में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है और दुबई में क्रिकेट और फुटबॉल ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इंडिया में लोग फ्लैट में रहते हैं या घर में रहते हैं तो अपने कपड़े बालकनी में या बाहर सुखाते हैं, लेकिन दुबई में अपना कपड़ा बाहर सुखाना या बालकनी में सुखाना मना है और इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। जब से दुबई में तेल की खोज हुई है और दुबई की जमीन वहाँ के लोगों को पैसा देना शुरू किया है तो वो लोग जमीन पे थूकना बंद कर दिए क्योंकि उनकी रोजी रोटी जमीन से आती है। इसलिए उन्होंने जमीन पे थूकना बंद कर दिया और जो जमीन पे थूकता है उस पे जुर्माना होता है। क्या कभी इंडिया में ऐसा हो सकता है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।